Hello everybody and welcome back to the channel. In today's video, we will cover up part 2 of our chapter number 19, excretory products and their elimination. इससे पहले already हम part 1 बना चुके हैं, अगर आपने वो नहीं देखी है, तो please description box में link given है उस video का, आप उसको जाकर देख सकते हैं. Otherwise, human physiology में हमने कई chapters complete कर लिए हैं, जैसे कि digestion and absorption, breathing and exchange of gases, ठीक है, तो इन chapters को अगर आप पढ़ना चाहते हैं, तो human physiology की link नीचे description box में given है, आप उस पर जाके playlist पर देखिए, वहाँ पर बहुत सारी links given है, okay? तो प्लीज प्लेलिस्ट को जाकर देखिए ह्यूमन फिजियोलॉजी की, अगर आपने कोई चैप्टर नहीं पढ़ा है तो. वन मोर थिंग, अगर चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं आप हमारी कोई भी वीडियो मिस ना करें, आपको नोटिफिकेशन आ जाए. अगर ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक करिए और इस वीडियो को शेयर करिए उनके साथ जिनको इस वीडियो की जरूरत है. ओके, तो चलिए शुरू करते हैं. आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अबाउट ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम. हमारा चैप्टर है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड उनके जो एलिमिनेशन, जो कि हम एक्सक्रीट करते हैं उनके बारे में. तो जाहिर सी बात है, हम किससे एक्सक्रीट करते हैं ये भी जानना जरूरी है. तो हम एक्सक्रीट करते हैं विद द हेल्प ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम. ह्यूमंस के अंदर जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, हम एक बार हाइलाइटर ले लेते हैं, हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम है, उसके पास एक पेयर होता है किडनी का, यानी कि एक पेयर ऑफ किडनीज, दो किडनीज होती है, एक यहाँ पर देखिए राइट साइड में, एक लेफ्ट साइड में. एक पेयर होता है यूरेटर्स का. यूरेटर्स क्या होते हैं? यूरेटर्स जनरली आप कह सकते हो ये जो टिब्यूल्स होते हैं, यूरेटर्स ये टिब्यूल होते हैं जो कि किडनी से निकलते हुए कहाँ तक लेके जाते हैं? यूरिनरी ब्लैडर तक. जो भी एक्सक्रीशन किडनी से निकलेगा वो जाकर एक जगह पर, एक पाउच में इकट्ठा होगा, जिसको हम कहते हैं यूरिनरी ब्लैडर, और जिसके जरिए, जिस पाइप के थ्रू वो जाएगा, उसको कहते हैं यूरेटर. ठीक है, ये दो होते हैं यूरेटर, यानी कि एक पेयर होता है एक राइट साइड में और एक लेफ्ट साइड में, और एक होता है यूरिनरी ब्लैडर जो कि हम अभी देख चुके हैं, एंड द लास्ट वन इज एन वन ओपनिंग जिसको हम कहते हैं यूरेथ्रा. नाउ 19.1 फिगर जनरली इसी एक्सप्लेनेशन को बता रहा है, दर्शा रहा है. तो आई होप आपको ये लाइंस क्लियरली समझ आ गई होंगी. अब आते हैं किडनीज का जनरली बाहर का स्ट्रक्चर, या फिर किडनीज दिखने में किस तरीके की होती हैं. किडनीज आर रेडिश ब्राउन, वो रेडिश ब्राउन है. उनका स्ट्रक्चर जो है बीन शेप्ड होता है, जैसे कि आप देख सकते हो ये बीन शेप्ड है एंड ये बीन शेप्ड है. ठीक है, यानी कि एक राजमा के शेप का होता है. सिचुएटेड बिटवीन द लेवल्स ऑफ लास्ट थोरेसिक एंड थर्ड ल्यूम्बर वर्टिब्रा, क्लोज टू द डॉर्सल इनर वॉल ऑफ द अबडोमिनल कैविटी. अब ये क्या चीज़ है भाई, ये इन्होंने क्या कह दिया, ये हम यहाँ पर जानते हैं. देखिए, इन्होंने कुछ नहीं कहा है, बहुत सिंपल सी चीज़ कही है कि देखो थोरेसिक कैविटी कहाँ एंड हो रही है, यहाँ पर, जहाँ से किडनी बननी शुरू होती है. तो वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है कि ये कहाँ से, कहाँ पर सिचुएटेड है, कहाँ पर रखी हुई है, लास्ट थोरेसिक कैविटी के ऊपर, जो कि ये है T12, एंड थर्ड एंड कहाँ पे होती है किडनी का पूरा स्ट्रक्चर, शुरू होता है लास्ट थोरेसिक कैविटी से और एंड होता है थर्ड हमारे ल्यूम्बर वर्टिब्रा से. देखिए थर्ड ल्यूम्बर वर्टिब्रा यहाँ पर है और यहाँ पर ये किडनी का स्ट्रक्चर एंड हो गया. तो इतना बड़ा इसका ये स्ट्रक्चर है. ओके, नेक्स्ट है ईच किडनी ऑफ एन एडल्ट ह्यूमन मेजर्स. अब हम देखेंगे इसके मेजरमेंट्स, यानी कि इसके डायमेंशंस क्या क्या होने वाले हैं. एक किडनी जो एडल्ट ह्यूमन की होती है वो अराउंड 10 से 12 सेंटीमीटर होती है लेंथ में, एंड 5 से 7 सेंटीमीटर होती है विड्थ में. 2 से 3 सेंटीमीटर उसकी थिकनेस होगी किडनी की, जिसमें कि एवरेज उसका वेट होगा 120 से लेके 170 ग्राम. ये एक किडनी की बात कर रहे हैं, हमारे पास पेयर ऑफ किडनी है, यानी कि दो किडनीज हैं. नेक्स्ट है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द इनर कॉन्केव सर्फेस ऑफ द किडनी इज अ नॉच कॉल्ड हीलम. देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर ये बताने की कोशिश कर रहा है, ये वाला हिस्सा, जो ये हिस्सा होता है, ये वाला, जो ये वाला हिस्सा है, जैसे कि आपकी बीन टाइप शेप्ड होती है यूं, तो ये वाला जो हिस्सा है ना, इसको हम कहते हैं हीलम. क्यों? बिकॉज यहाँ पर हीलम पे जो है काफ़ी ज़्यादा, जितने भी हमारी जो वेन्स आ रही हैं, हमारे जो ब्लड वेसल्स आ रही हैं, वो एंटर और एग्जिट यहीं से होगी. ब्लड किडनी तक कैसे पहुंचेगा? इसी पॉइंट के थ्रू पहुंचेगा. ठीक है, हम देख रहे हैं हमारी ये वेन्स और आर्टरी जो एंटर हो रही हैं हमारी किडनी के अंदर, वो किस ओपनिंग के थ्रू हो रही हैं, किस पार्ट के थ्रू हो रही हैं? हीलियम के थ्रू. ठीक है, तो यही मेन चीज़ थी यहाँ पर हीलियम की, जैसे कि यहाँ पर बताया भी गया है, थ्रू विच यूरेटर, यानी कि हमारे जो पाइप, यानी कि ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो था वो, एंड ब्लड वेसल्स जो हमारी ये एंटर हो रही हैं, वेन और आर्टरी, एंड नर्व्स जो हैं वो एंटर करती हैं हमारी किडनी के अंदर विद द हेल्प ऑफ हीलम. इनर टू द हीलम, यानी कि अब हीलम के अंदर आते हैं तो हमें देखने को मिलता है एक ब्रॉड फनल शेप्ड स्पेस, जिसको हम कहते हैं रीनल पेल्विस. आप देख रहे हो ये वाला स्पेस क्या है, फनल शेप्ड. देखिए इसके अंदर आपको समझ में आना चाहिए, यहाँ पर रीनल पेल्विस क्या है, ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, रेड ले लेते हैं, रेड आपको ज़्यादा दिखेगा, ये वाला जो स्ट्रक्चर देख रहे हो आप, ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये सभी एक फनल शेप में होते हैं, जिनको हम कहते हैं रीनल पेल्विस. ओके, ये जनरली
किसके साथ प्रेजेंट होते हैं, कुछ प्रोजेक्शन होती है, ये जो आपके पास दिख रही है रिजॉल्व कर देते हैं, आपको इजीली दिखेगा कि ये जो प्रोजेक्शंस है, ये इस तरीके से जो प्रोजेक्शन है, ये प्रोजेक्शन है, ये सब क्या है, ये जो प्रोजेक्शन आपको दिख रही है, इन सभी को हम जनरली कहते हैं कैलिसिस। ठीक है, तो जनरली याद रखिएगा कौन सी चीज़ को हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कैलिसिस। द आउटर लेयर ऑफ द किडनी, ये जो आउटर लेयर आपको दिख रही है किडनी की, इज अ टफ कैप्सूल, ये टफ कैप्सूल है यानी कि बहुत ही हार्ड होती है ये, विच और जो इनर साइड होता है किडनी के अंदर जो है दो जोन्स होते हैं। अब वो दो जोन्स कौन से होते हैं, एक होता है मेड्यूला और दूसरा होता है कॉर्टेक्स। मेड्यूला कौन सा होता है, मेड्यूला इज द इनर वन। ठीक है, ये जो आप देख रहे हो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, इसको इरेज करते हैं हम और हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं वेयर इज मेड्यूला एंड वेयर इज कॉर्टेक्स। मेड्यूला तो है आपका ये वाला जगह, ठीक है, ये वाली जगह क्या है मेड्यूला, और कॉर्टेक्स क्या है आपका ये वाला हिस्सा, ये जो हिस्सा है ये है आपका कॉर्टेक्स। ठीक है, तो याद रखिएगा इनको हम रीनल कॉर्टेक्स और रीनल मेड्यूला कहते हैं, और इसको रीनल पेल्विस क्यों कहते हैं, बिकॉज ये एक प्रोजेक्शन लाइक है जो कि यहाँ पर प्रेजेंट है ब्लड को कलेक्ट करने के लिए या फिर यूरिन को कलेक्ट करने के लिए। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पर द मेड्यूला इज डिवाइडेड इनटू अ फ्यू कॉनिकल मासेस, कुछ कॉनिकल मासेस के अंदर मेड्यूला डिवाइडेड है जिनको हम मेड्यूलरी पिरामिड्स भी कहते हैं, प्रोजेक्टिंग इनटू द कैलिसिस। हमने देखा था कैलिसिस क्या है, जो प्रोजेक्शन यहाँ पर ये प्रोजेक्शन है, इसी के जरिए यहाँ पर कुछ फिंगर लाइक यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है पिरामिड टाइप पे, यहाँ पे आपको कॉनिकल मासेस देखने को मिल रही हैं, प्रोजेक्शन देखने को मिल रही हैं, उनको हम कहते हैं मेड्यूलरी पिरामिड्स। नेक्स्ट है यहाँ पर द कॉर्टेक्स एक्सटेंड्स इन बिटवीन द, आपको आई होप यहाँ पे सब कुछ समझ में आ गया हो इजीली, जो आप मेड्यूलरी पिरामिड्स जितने भी यहाँ पर कॉर्टेक्स के अंदर प्रेजेंट हैं उन सभी को एक सिंपल नाम दे दिया गया है, एक कलेक्टिव नाम दे दिया गया है जिसको हम कहते हैं कॉलम्स ऑफ बर्टेनिया। नाउ इनको बर्टेनी क्यों कहा गया, बिकॉज बर्टेनी ने डिस्कवर किया होगा। ईच किडनी हैज़ नियरली 1 मिलियन कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, एक किडनी के पास, सिर्फ एक किडनी की बात हो रही है, पेयर की बात नहीं हो रही है, एक किडनी के पास ऑलमोस्ट 1 मिलियन कॉम्प्लेक्स ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर होते हैं, जो ट्यूब्यूल्स वाले स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ये सब ऑलमोस्ट 1 मिलियन होते हैं, जिनको हम कहते हैं नेफ्रॉन्स। अब आप देखना चाहोगे नेफ्रॉन्स कहाँ है, नेफ्रॉन्स देखिए मैं आपको इस स्ट्रक्चर के अंदर दिखाना चाहूँगी, एक स्ट्रक्चर में यहाँ पर देखा था मैंने, जो मैंने कलेक्ट भी किया हुआ था, ये देखिए ये है आपका नेफ्रॉन, इसको इरेज ऑल करके हम नेफ्रॉन दिखाने की कोशिश करते हैं आपको जूम आउट करके। एक सेकेंड ब्लैक लेते हैं, एक सेकेंड ब्लैक ले लेते हैं हम, देखते हैं ये है आपका नेफ्रॉन जो एंड लाइक स्ट्रक्चर से बना हुआ है, ये है आपका नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन का यहाँ पे काम क्या है वो हम देखेंगे, बट ये जानना जरूरी था आपके लिए कि नेफ्रॉन किस तरीके से वर्क करता है। तो ये जो नेफ्रॉन्स हैं ये ऑलमोस्ट 1 मिलियन स्ट्रक्चर्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, 1 मिलियन इनके नंबर्स हैं। नेक्स्ट है विच आर फंक्शनल यूनिट, जैसे कि आपने देखा ब्रेन की फंक्शनल यूनिट होती है न्यूरॉन्स, उसी तरह किडनी की फंक्शनल यूनिट होती है नेफ्रॉन्स। ईच नेफ्रॉन हैज़ 2 पार्ट्स, हर एक नेफ्रॉन्स के 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है ग्लोमेरुलस, एक होता है रेनल ट्यूब्यूल। नाउ ये दोनों चीज़ें किस तरीके से डिफ्रेंशिएट करती हैं ये मैं आपको इस डायग्राम के थ्रू बताना चाहूँगी। देखिए एक बार हम देखते हैं, ये जनरली देखने में हमारा नेफ्रॉन इस तरीके से होता है, बट नेफ्रॉन को अगर हम सिंपल तरीके से देखें तो वो सिंपल फॉर्म में ऐसे देखने को मिलेगा हमें, बट ये सिर्फ आपके समझने के लिए है, इसका आपके स्ट्रक्चर से कुछ लेना देना नहीं है, बिकॉज स्ट्रक्चर ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है, ये सिर्फ सिंपल वे में उस तोड़े मोड़ोरे जो भी हमारा जो स्ट्रक्चर था पीछे नेफ्रॉन का उसको खोल के कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बनता है। सबसे पहला है ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा एक तरीके से आप कह सकते हो कि 2 फॉर्म्स में होता है, एक है जो हमारा एंटर करने के लिए, एक है एग्जिट करने के लिए। ओके, जो एंटरिंग फॉर्म है उसको हम कहते हैं एफेरेंट आर्टियोरोल, ये रहा एफेरेंट यानी कि ए मतलब अंदर आना और ई मतलब एग्जिट, तो उसको कहेंगे एफेरेंट आर्टियोरोल, यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है। नेक्स्ट है ग्लोमेरुलस और ब्राउमेंस कैप्सूल। नाउ व्हाट आर दीज, जो देख रहे हो आप यहाँ पर, जो आपने मैंने आपको बताया था किस तरीके से आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, उसके बाद जब यहाँ पर ब्लड अंदर आएगा उसके बाद नेक्स्ट आता है प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल कहा जाता है जनरली इसको, प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल मतलब पास वाला, पी मतलब पास वाला,
ठीक है, तो ये हो गया एक टिब्यूल। उसके बाद आता है, जब हम नीचे होते हुए आते हैं तो एक डिसेंडिंग यानी कि नीचे की तरफ झुकाव जब आता है उसको बोलते हैं लूप ऑफ हेनली। लूप ऑफ हेनली दो तरीके के हैं, एक है जो नीचे झुका हुआ जिसको हम कहते हैं डिसेंडिंग, और एक है ऊपर की तरफ होता हुआ, जैसे कि ये है डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनली और ये जो ऊपर की तरफ ऐसे है ये है असेंडिंग लूप ऑफ हेनली। ओके, मैं आई होप आपको क्लियरली समझा रही हूँ, आपको दिमाग में ये डायग्राम बैठ जाना चाहिए। ठीक है, और एक है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल जो कि पास होता है, ठीक है, जो हमारे एंट्री के पास होता है, और एक होता है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल जो कि हमारा दूर होता है, ठीक है, एंट्री से दूर यानी कि एग्जिट के पास होता है। तो ये चीज़ें याद रखना, पी मतलब पास यानी कि पी मतलब प्रॉक्सिमल, कॉन्वोल्यूटेड मतलब तोड़ा मरोड़ा हुआ सा, और टिब्यूल मतलब ट्यूब, तो ये है ही। ठीक है, और जब लास्ट में होता है कलेक्टिंग डक्ट जो कि हमारा पहुंचेगा जाके यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। ओके, तो ये बहुत सिंपल चीज मैंने आपको यहाँ समझा दी है। एक बार देख लेते हैं हमारी बुक के अंदर क्या लिखा हुआ है। बुक के अंदर लिखा हुआ है ग्लोमेरुलस इज अ टफ्ट ऑफ कैपिलरीज फॉर्म्ड बाय द एफेरेंट आर्ट्रियोल। ग्लोमेरुलस किसका बना हुआ होता है? एफेरेंट आर्ट्रियोल का, जो कि जनरली एंट्री करने के लिए है। ब्लड जो है ग्लोमेरुलस के अंदर कैसे एंट्री करेगा? विद द हेल्प ऑफ एफेरेंट आर्ट्रियोल, और एग्जिट कैसे करेगा? इफेरेंट आर्ट्रियोल। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है कि एफेरेंट आर्ट्रियोल का क्या होता है, एक फाइन ब्रांच होती है रेनल आर्टरी की जिसके थ्रू ब्लड जो है ग्लोमेरुलस तक पहुंचता है, और ग्लोमेरुलस से बाहर कैसे जाएगा ब्लड? विद द हेल्प ऑफ एफेरेंट आर्ट्रियोल। आई होप मैंने आपको क्लियरली समझा दिया ये चीज। द रेनल टिब्यूल बिगिंस विद अ डबल वॉल्ड कप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड बाउमैन कैप्स्यूल। हमने देखा कि हमारे नेफ्रॉन के अंदर दो स्ट्रक्चर थे, पहला था ग्लोमेरुलस जिसके अंदर दो चीजें थी, वन इज एफेरेंट आर्ट्रियोल एंड नेक्स्ट इज इफेरेंट आर्ट्रियोल। एफेरेंट से एंटर होता था ब्लड और इफेरेंट से एग्जिट हो जाता था। उसके बाद आते हैं सेकेंड स्ट्रक्चर जो हमारा नेफ्रॉन के अंदर है, वो है रेनल। वो क्या था हमारा, जो हमने अभी देखा था कि रेनल टिब्यूल, रेनल टिब्यूल जनरली दो डबल वॉल्ड कप से शुरू होता है जिसको हम कहते हैं बाउमैन कैप्स्यूल। नाउ बाउमैन कैप्स्यूल क्या करेंगे आगे चल के, वो एनक्लोज हो जाएंगे ग्लोमेरुलस के अंदर। किसके अंदर एनक्लोज हो जाएंगे? यानी कि दोनों मिक्स हो जाएंगे एक साथ, जबकि ग्लोमेरुलस अलॉन्ग विद बाउमैन कैप्स्यूल उसको एक साथ जब मिल जाते हैं उसको हम कहते हैं मालपीजियन बॉडी। दोनों एक जगह पे आके मिल जाते हैं, जैसे कि मैंने आपको ये चीज़ बताई। देखिए, ये था ग्लोमेरुलस और ये था बाउमैन कैप्स्यूल। जब ये दोनों मिल गए एक जगह पर, ये दोनों मिल गए, तो यहाँ पर इस चीज़ को हमने क्या कह दिया मालपीजियन बॉडी। ओके, तो बहुत इजीली समझा दिया मैंने आपको मालपीजियन बॉडी किस तरीके से बनाई है। और यहाँ पर है रीनल कॉर्पस्कल, इसको एक और नाम से बोला जाता है रीनल कॉर्पस्कल, अदरवाइज आप अगर मालपीजन बॉडी याद रखोगे तो ज़्यादा इजी रहेगा। द टिब्यूल कंटिन्यूस फर्दर टू फॉर्म अ हाईली कॉइल्ड नेटवर्क, एक हाईली कॉइल्ड। अब आप देखिए, अगर आप सिक्का ले लें एक, या फिर सिक्का छोड़िए कॉइन छोड़िए, आप एक स्टिक ले लीजिए, स्टिक के आसपास आप एक धागे को बांधना शुरू करिए, तो उसको हम क्या कहेंगे कि हमने कॉइल कर दिया है धागे को एक स्टिक के अराउंड। उसी तरह से पूरा कॉइल्ड पूरा नेटवर्क बनता है जिसको हम कहते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। देखिए, नाम में ही आपको इजीली पता चल जाएगा। ये जो वाला स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हो, ये वाला स्ट्रक्चर कुछ भी नहीं है, सब एक चीज़ों का फंक्शन यहाँ पे सीधे तरह से लिखा हुआ है जो आपको लिखना है। ठीक है, किस चीज़ का क्या काम होता है मैंने इजीली यहाँ पर बता दिया है। यूरेटर का क्या काम होता है, जो यूरेटर है वो कैरी करता है यूरिन को कहाँ तक? ब्लैडर से, ब्लैडर जब ब्लैडर तक कौन लेके आएगा? यूरेटर। किडनी से ब्लैडर तक कौन लेके आएगा यूरिन को? जो हमारा यूरेटर है। नेक्स्ट है यहाँ पर रीनल कैप्स्यूल। रीनल कैप्स्यूल का क्या काम होता है? द किडनी इज कवर्ड विद अ प्रोटेक्टिव कैप्स्यूल विच इज नोन एज रीनल कैप्स्यूल, जो है हमारी ये वाली कैप्स्यूल। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा यहाँ पे स्ट्रक्चर रीनल पेल्विस। नाउ व्हाट इज रीनल पेल्विस? रीनल पेल्विस ये वाला एरिया है, रीनल पेल्विस ये वाला एरिया है। दिस डक्ट शेप्ड लाइक अ फनल कलेक्ट्स यूरिन फ्रॉम द कैलिसिस, जो हमारी प्रोजेक्शन थी कैलिसिस, उनसे कौन यूरिन को एक तरीके से इकट्ठा करता है? वो होता है रीनल पेल्विस, रीनल आर्टरी, रीनल वेन्स, आपको पता चल गया ब्लड को एंटर कराने के लिए और एग्जिट कराने के लिए। मेड्यूला कॉर्टेक्स, आपको पता चल गया कि क्या काम होता है इनका। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको सारी चीज़ें इस डायग्राम के अंदर इजीली मिल जाएंगी। प्लीज़ इसके जो एक्सप्लेनेशन दिए हुए हैं चीज़ों के, उसको नोट डाउन आप ज़रूर कर लें, क्योंकि मैं इस चीज़ को आपको समझा चुकी हूँ। उसी तरह देखिए, मैं आपको सिंपल तरीके से यहाँ समझाऊँ तो, सबसे पहले था एफेरेंट आर्ट्रियोल और इफेरेंट आर्ट्रियोल, आपको डायग्राम समझा रही हूँ ध्यान देना। एफेरेंट क्या होता है? जिसके थ्रू हमारा ब्लड एंटर करेगा, और एक जो इफेरेंट है, ई मतलब एग्जिट,
ठीक है, ई मतलब एग्जिट, तो मतलब इफरेंट से वो एग्जिट कर जाएगा ब्लड। यहाँ पर दो यानी कि टिब्यूल्स हमें देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट लेवलिंग पे, जो कि है ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस और बाउमेंस कैप्सूल जब एक साथ मिल जाते हैं तो उस चीज को हम कहते हैं, ये वाला स्ट्रक्चर, ये वाला आप स्ट्रक्चर बोलिए, इसको कहते हैं मालपीजियन टिब्यूल। मालपीजियन, सॉरी नॉट टिब्यूल, टिब्यूल बोल सकते हो, अदरवाइज मालपीजियन बॉडी। ठीक है, तो अब देख रहे हो आप कि ये दोनों स्ट्रक्चर किस तरीके से, पहला है प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल, क्यों? बिकॉज ये एंट्री के पास है। ये कहाँ पर है? एंट्री के पास है, जहाँ से एंट्री होती है ब्लड की, इसलिए पास मतलब पी मतलब प्रॉक्सिमल, कॉन्वोलेटेड मतलब कॉइल हुआ हुआ, एंड टिब्यूल मतलब ट्यूब, तो वो है ही। नेक्स्ट है डिस्टल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल। नाउ व्हाट इज डिस्टल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल? जो दूर है, ये रहा, जो एंट्री से दूर है और एग्जिट के पास है, ये एग्जिट है हमारी, इसके पास है, इसको कहते हैं डिस्टल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल। उसके बाद आते हैं हमारे हेनलीज लूप। हेनलीज लूप क्या क्या है? एक है डिसेंडिंग और एक है असेंडिंग। ये वाला असेंडिंग क्यों है? बिकॉज ये वाला ऊपर की तरफ जा रहा है, और ये वाला डिसेंडिंग क्यों है? बिकॉज ये वाला ऐसे नीचे की तरफ होता हुआ जा रहा है। ओके, आई होप इजीली समझ में आया हो। ये है वासा रेक्टा, और लास्ट वन है हमारा कलेक्टिंग डक्ट, जो कि कलेक्ट करके यूरिनरी ब्लैडर तक पहुंचाएगा। क्लियर? बिल्कुल, ये चीज़ मैं आपको पहले भी इस इजी डायग्राम में बता चुकी हूँ कि असेंडिंग और डिसेंडिंग का क्या खेल है। यहाँ पर लूप ऑफ हेनले ये है, और डिसेंडिंग मतलब नीचे वाला जो नीचे होके निकलता है, और असेंडिंग मतलब जैसे ऊपर की तरफ होके निकलता है। ओके, आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा पीसीटी। पीसीटी क्या है? हमारा प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल। ओके, अ हेयरपिन शेप्ड हेनलीज लूप इज द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द टिब्यूल विच हैज अ डिसेंडिंग एंड असेंडिंग लिम। हमारा जो हेनलीज लूप है वो किस तरीके से होता है? एक हेयर पिन की शेप में होता है। आपने देखी होंगी कुछ हेयर पिन इस तरीके की आती हैं, कुछ इस तरीके की हेयर पिंस आपने देखी होंगी, पेपर पिंस देखी होंगी, तो उसी तरीके से कुछ ये हेनलीज लूप के भी शेप होती है, जिसके पास दो तरीके के लिम्ब होते हैं, एक होता है डिसेंडिंग और एक होता है असेंडिंग, जिनको आप देख चुके हो। असेंडिंग लिम्ब होता है उसके पास क्या वो किसके थ्रू कंटिन्यू करता है? असेंडिंग लिम्ब शुरू तो हुआ ग्लोमेरुलस से, और वो कहाँ तक पहुँचेगा? इट विल कंटिन्यू एज अनदर हाईली कॉइल टिब्यूल रीजन विच इज नोन एज डिस्टल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल, जैसे कि उसको हम कहते हैं DCT। ओके, डीसीटी क्या होता है? डीसीटी ऑफ मेनी नेफ्रॉन्स ओपन इनटू अ स्ट्रेट ट्यूब कॉल्ड कलेक्टिंग डक्ट। सारे डिस्टिल, काफ़ी ज़्यादा नेफ्रॉन्स के जो डीसीटी होते हैं, डिस्टिल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, वो कहाँ पे जाके ओपन होते हैं? वो ओपन होते हैं जाके कलेक्टिंग डक्ट। जो हमारा कलेक्टिंग डक्ट है वो क्या है? हमारा यहाँ पर यूरिनरी ब्लड है, जो कि यूरिन को कलेक्ट करता है, और फिर जब कलेक्ट करने के बाद हमारे पास एक अर्ज होता है, यानी कि एक सिग्नल आता है दैट यू हैव टू गो टू द यूरिन। ओके, मैनी ऑफ विच कवरेज एंड ओपन इन टू अ रेनल पेल्विस थ्रू मेड्युलरी पिरामिड्स इन द कैलिसिस। जो हमारे इतने सारे मेड्युलरी पिरामिड्स बने थे जो हमारे कैलिसिस के थ्रू, वो सभी क्या हैं यहाँ पर? जनरली उनके पास जाके ओपन होता है हमारा कलेक्टिंग डक्ट। नेक्स्ट है यहाँ पर द मालफीजियन कॉर्पस्कल, PCT एंड DCT। तीनों चीज़ें मिलके जो मालफीजियन कॉर्पस्कल बनी है, यानी कि मालफीजियन बॉडी बनी है, PCT यानी कि प्रॉक्सिमल है ना कॉन्वोलेटेड एंड टिब्यूल, और DCT क्या है? डिस्टल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल। ये नेफ्रॉन की हैं तीनों चीज़ें, ये एक साथ एक कॉर्टिकल रीजन में होते हैं किडनी के, जहाँ पर लूप ऑफ हेनली डिप्स इनटू द मेड्यूला। लूप ऑफ हेनली कहाँ पहुँच जाएगा? मेड्यूला के फॉर्म में, मेड्यूला के डिप में, यानी कि नीचे नीचे वाले बेस स्ट्रक्चर में। नेक्स्ट आते हैं इन मेजॉरिटी नेफ्रॉन्स, मेजॉरिटी ऑफ द नेफ्रॉन्स जो होते हैं मिलियंस में जो हैं, ठीक है, वो जनरली लूप ऑफ हेनले जो है उनके लिए टू शॉर्ट होता है, बहुत छोटा होगा, एंड एक्सटेंड्स ओनली वेरी लिटिल इंटू द मेड्यूला। बहुत कम जो है वो मेड्यूला तक पहुँच पाएंगे, बिकॉज लूप ऑफ हेनले मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो है बहुत शॉर्ट रहेगा। सच नेफ्रॉन्स आर नोन एज कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स, जो कि पहुँच जाएंगे मेड्यूला तक उनको हम कहेंगे कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स। इन सम ऑफ द नेफ्रॉन्स द लूप ऑफ हेनले इज वेरी लॉन्ग। कई ऐसे नेफ्रॉन्स होते हैं जहाँ पर अगर छोटा भी होता है जो लूप ऑफ हेनले, तो कई ऐसे भी होते हैं नेफ्रॉन्स जिनके पास जो हेनलीज लूप का जो साइज है, जो लेंथ है, वो बहुत लंबी है, और वो मेड्यूला के डीप तक पहुंचते हैं, बहुत अंदर तक पहुंचते हैं, और इन नेफ्रॉन को हम कहते हैं जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन्स। तो याद रखिएगा दो चीज़ें आपको यहाँ पता चली, एक है कॉर्टिकल नेफ्रॉन और दूसरा है जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन। कॉर्टिकल वो है जिनकी जिन नेफ्रॉन्स की छोटी हाइट होती है, यानी कि लेंथ कम होती है, और वो ज़्यादा दूर तक मेडुला तक नहीं पहुँच पाते हैं। और जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स वो होते हैं जो बहुत लंबे होते हैं, और वो इजीली नेफ्रॉन जो हमारी मेडुला है, मेडुला के डीप यानी कि अंदर तक पहुँच जाते हैं।
ठीक है। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है मेल्फीजियन बॉडी, रेनल कॉर्पस्कल का पूरा स्ट्रक्चर दिख रहा है यहाँ पर, किस तरीके से बताया हुआ है कि हमारा प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल कहाँ से स्टार्ट होगा, और इफरेंट और एफरेंट दोनों के अंदर डिफरेंस पता होना चाहिए। इफरेंट एग्जिट पॉइंट है और एफरेंट एंट्री पॉइंट है, ओके ठीक है। यहाँ पर है बाउमेंस कैप्सूल और ये वाला स्ट्रक्चर जो है आपको पूरा बताया गया है मेल्फीजियन बॉडी का, ठीक है। ये जो ये आपको दिख रही है सब मेल्फीजियन बॉडी है जो कि नेफ्रॉन्स से मिलके बनी हुई है। नेक्स्ट आता है द इफरेंट आर्ट्रियोल एमर्जिंग फ्रॉम द ग्लोमेरुलस फॉर्म्स अ फाइन कैपिलरी नेटवर्क अराउंड द रीनल ट्यूब्यूल कॉल्ड द पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। जो इफरेंट जो एग्जिट वाला पॉइंट है हमारा, जो हमने देखा था नेफ्रॉन्स के अंदर जो एग्जिट पॉइंट है वो क्या करता है, जनरली ग्लोमेरुलस से जो निकलता हुआ है वो बनाता है एक कैपिलरी नेटवर्क, एक तरीके का नेटवर्क बना लेंगे इस तरीके का, ठीक है। किसके अराउंड, रीनल ट्यूब्यूल, जो हमारी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है रीनल ट्यूब्यूल जो है उसके अराउंड एक स्ट्रक्चर बन जाएगा, कैपिलरी नेटवर्क मिल जाएगा जिसको हम बनाएंगे पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। अ मिनट वेसल ऑफ दिस नेटवर्क रन्स पैरेलल टू द हेडलेस लूप फॉर्मिंग अ यू शेप्ड वासा रेक्टा, जैसे कि हमने देखा यहाँ पर वासा रेक्टा, हमने देखा कि ये देखिए ये वाला स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है, ये वासा रेक्टा इसी के साथ साथ चलती है, ये अलग से नहीं है इसके साथ साथ चल रही है, जो कि मेल्फीजियन बॉडी का ही स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट है यहाँ पे, वासा रेक्टा इज एब्सेंट और हाईली रिड्यूस्ड इन कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स। व्हाट आर कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स, अभी हमने पढ़ा था, जो कि जिनकी बहुत शॉर्ट लेंथ होती है और वो हमारे नहीं पहुँच पाते हैं मेल्फीजियन बॉडी तक, बॉडी के एंड तक, तो सॉरी मेड्यूला नॉट मेल्फीजियन बॉडी, मेड्यूला के एंड तक नहीं पहुँच पाते हैं, तो उनके अंदर वासा रेक्टा जो है एब्सेंट होता है, ठीक है, या फिर बहुत कम मात्रा में प्रेजेंट होता है। तो इसी के साथ हमने हमारा ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड किया है, इसके बाद हम देखेंगे यूरिन फॉर्मेशन जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, बेल नोटिफिकेशन दबा लीजिए ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आपको हमारी वीडियो मिस ना करें और आपको नोटिफिकेशन जरूर आ जाए। बहुत जल्दी बोल रही हूँ, आई नो स्लो कर लो, ठीक है। और वन मोर थिंग, अगर आपको लगता है वीडियो किसी की हेल्प कर सकती है तो प्लीज़ इसको शेयर जरूर करिए, बहुत अच्छा लगेगा आपको भी और उस स्टूडेंट की भी बहुत ज़्यादा मदद हो जाएगी, तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। विद दैट सेड, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय।